मैंने शांतु, जो आप लोग देख रहे हैं हैप्पी डीआरएक्स व्लॉग, तो इस व्लॉग में आपका तहे दिल स्वागत है। हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करो, हम नहीं कहेंगे लाइक करो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर तो मुंह से निकल जाता है ना, फ्लो बना हुआ है। हम नहीं, क्योंकि हम कहेंगे वो आपको करना है नहीं, तो फायदा नहीं करने का है। तो आप वीडियो देखिए पूरी, जैसे आपको लगे वैसा आप कीजिएगा, हम नहीं कुछ कहेंगे। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे लोहे के बीच में जो ट्रैकर्स हैं, यहाँ पे जो ट्रैक है, यहाँ पे लोहे का ट्रैक डाल दिया गया है। पूरा लोहे का ट्रैक, बीच में पूरा लोहे का ट्रैक है। और अभी हम लोग हैं रावतपुर मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे बीच में पूरा लोहे का ट्रैक पड़ा हुआ है। और इसको आप लोग देख सकते हैं कि जो अपना ट्रैक दिख रहा है, ये रावतपुर ट्रैक है। पूरा ये रावतपुर ट्रैक आपको दिख रहा होगा, ऊपर का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मतलब कि कल्याणपुर और SPM यहाँ सब में सेम ही ट्रैक है, कोई बदलाव ज़्यादा नहीं है इसमें। तो मैं इसको इसलिए ऊपर का आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा आगे का ट्रैक दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है, यहाँ पर भी जो है पेड़ पौधे लगाने, मिट्टी डाल दी गई है और जल्द से जल्द इस पर पूरा कार्य होना है, जो कि पूरा कार्य अभी बाकी है UPMRC की तरफ से। जो कि जो कोई 10 स्टेशन जो टारगेट किए गए हैं, जो एक IIT का हो गया, कल्याणपुर हो गया, SPM हो गया, और अपना गुरुदेव हो गया, रावतपुर हो गया, और दलहन स्टेशन हो गया, मोती झील हो गया, ये सब 10 स्टेशन हैं। ये सब ट्रैक किए गए हैं, इनको 10 10 स्टेशन पे जल्द से जल्द इस कार कंप्लीट करना है। और इन 10 10 स्टेशनों का उद्घाटन कराना है। नवंबर में उद्घाटन कर दिया जाएगा इन 10 स्टेशनों का। जी हाँ, दीपावली 4 नवंबर की है, इसके बाद हो सकता है इसका उद्घाटन करा दिया जाए, इससे पहले भी उद्घाटन करा जा सकता है। ये हम लोग आ गए हैं अब डिपो के पास। जी हाँ, ये मेट्रो डिपो आ गई है। और ये रहा रावतपुर स्टेशन, ये पूरा मेट्रो डिपो चल रहा है। ये देखिए, इसकी डिपो के बगल से लाइन आपको दिख रही होगी जो मैं दिखा रहा हूँ। दो ट्रैक यहाँ पर पड़े हैं, जिससे एक साइड में ये डिपो का ट्रैक है। जी हाँ, ये डिपो ट्रैक और ये रावतपुर स्टेशन बुक देख लीजिए। जैसा कल्याणपुर का स्टेशन कंप्लीट किया गया है, वैसा ही रावतपुर का स्टेशन भी कम्प्लीट किया। कुछ ज़्यादा अपडेट इसमें नहीं है। ये थी कि यहाँ पे आपको दो ट्रैक दिख रहे होंगे, एक ये मेट्रो का है और एक ये डिपो मेट्रो का है। जो साइड में आपको दिख रहा है वो डिपो मेट्रो का है। और हम लोग आ चुके हैं अपने डिपो मेट्रो, मेट्रो डिपो आ चुका है आप लोगों का यहाँ पे। जो मेट्रो डिपो का मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोगों ने देखी ली होगी। यहाँ पे देखिए ट्रैक कुछ अलग तरह के हैं। देखिए लंबे लंबे ट्रैक हैं, गोलाई में ट्रैक नहीं होकर के बीच में टीन पड़ी हुई है। ये कुछ अलग ट्रैकों का नियम है और मैं तो समझ नहीं पाई यहाँ पे अलग ट्रैक क्यों है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये मैं मेट्रो डिपो पे आ ही चुका हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए, आपको 3 ट्रैक हो गए होंगे, उस तरफ 2 इस तरफ थे 2 उस तरफ ट्रैक हैं। ये वो जो उस तरफ पर ट्रैक है वो मेट्रो डिपो का है, और इस तरफ का ही मेट्रो का है। वहाँ से मेट्रो घूम के आएगी और सीधे डिपो के अंदर उतर जाएगी। वहाँ से धुलाई वुलाई पूरी, सफाई, सैनिटाइजिंग पूरी कर दी जाएगी। और मैं बता रहा था कि मेट्रो कब चालू होनी, तो नवंबर में 10 स्टेशनों का उद्घाटन कर दिया जाएगा। बाकी स्टेशनों पर कार्य करता रहे चलता रहेगा और 10 स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे। और तब इसमें फुल मतलब हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी, जो कि दिल्ली मेट्रो डिपो में, आगरा मेट्रो डिपो में दी जा रही है। और आगरा मेट्रो डिपो भी जल्द से जल्द कार्य चला रहा करा रहा है अपने, क्योंकि आगरा मेट्रो भी जल्द से जल्द तैयार कराने काम, इसीलिए आगरा मेट्रो पर चल रहा है। और मैं जो मेट्रो देखता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये आ गया अपना गुरुदेव। जी हाँ, ये अपना आ चुका है गुरुदेव मेट्रो। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है स्टेशन का। ये बिल्कुल ये सेम जो स्टेशन है, ये 10 स्टेशनों का कार्य लगातार चल रहा है, सेम ही चल रहा है। कोई आगे पीछे है थोड़ा बहुत, जैसे कि SPM में अभी लिफ्ट लग रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे कि इसके लेफ्ट से SPM लग जाएगी, फिर आगे उसके आ जाएगी, फिर उसके आगे गुरुदेव आ जाएगी। ऐसे ऐसे कार चलता रहता है, जैसे कि IIT में लिफ्ट लगाई गई, फिर कल्याणपुर में लगाई गई, फिर IIT के दूसरी तरफ लगाई गई। अब फिर शायद हो सकता है कि कल्याणपुर के दूसरी तरफ लगाया जाए, फिर SPM पे आ जाए पेंटिंग। ऐसे करके कार थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे किसी का चला करता है, कभी इस पर आ जाता है कार तो कभी उस पर आ जाता है। मतलब एक स्टेशन कम्प्लीट हुआ, फिर दूसरे स्टेशन पर सबसे पहले जो जीना है वो IIT का कम्प्लीट कराया गया, फिर कल्याणपुर कराया गया, अब SPM कराया जा रहा है, इसके बाद दलहन कराया जाएगा, इसके बाद गुरुदेव कराया जाएगा। ये चल रहा। और जो आपको मैं आपको बताऊँ, जो उस तरह जो जीना बन रहे हैं वो सिर्फ डिपो की वजह से बन रहे हैं। इसमें डिपो का कुछ कार्य है, और IIT की जो लिफ्ट है वो उस तरह, IIT की जो लिफ्ट है वो इस तरफ बनी हुई है जिस तरफ IIT क्रॉसिंग है, और कल्याणपुर की लिफ्ट बन रही है इंदिरा नगर की तरफ।
कुछ ना कुछ चेंजेस मेट्रो कराती रहती है। अब मैं आ चुका हूँ अपने दलहन मेट्रो के पास, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं पूरे अच्छे तरीके से लगा दिए गए हैं। ये भी आपको अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसका ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा। इस पर अगर आप लोग 100 लाइक कर देंगे तो मैं उसका ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूंगा दलहन मेट्रो स्टेशन का। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो हम दिखाने का भी ज़्यादा समस्या नहीं है। जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हम दिखाएंगे, हमको पता चलेगा आपको क्या दिखाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना है, वरना हम सब्सक्राइब के लिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोगों से कुछ का वो आप लोग करते ही नहीं हो। तो आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे यहाँ डलैन पे आ गए, यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए गए, इसके जो टीन है पूरे अच्छे तरीके से बनाई जा रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अब मेट्रो जो है रोड पर ध्यान देने लगी है पूरे तरीके से। अब रोड पहले कवर करेगी क्योंकि मेट्रो के जो कार से जो रोड तोड़ी गई है वो अब UPMRC सही तरीके से बनवाएगी। जहाँ जहाँ तक मेट्रो की रोड तोड़ी गई है वो पूरा सही तरीके से बनवाएगी। और एक अपडेट रख मैं और दे दूँ कि मेट्रो के ऊपर जो अपना ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो गोल चौराहे के पास कॉलेज है उसने केस कर दिया है। केस इसलिए कर दिया है कि उसी कुछ जगह पर इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कार की वजह से कुछ इन्होंने वो कर दिया है केस मेट्रो के ऊपर। तो वो भी चल रहा है और अपन आ चुके हैं हम दलहन मेट्रो स्टेशन। तो आप लोग देख मुझे छोटी छोटी अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ। दलहन मेट्रो स्टेशन आपके सामने रहा, यहाँ पर पेंटिंग जल्द से जल्द बननी है, जो आपको ऊपर देख रहा है सील, यहाँ पर जल्द से जल्द पेंटिंग बननी है। और इसका जो जीना है वो IIT के मुँह की तरफ है, मतलब जिस तरफ IIT का जीना बना है उसी तरफ इसका भी जीना बना है। और कल्याणपुर का उल्टे साइड बना है SPM का भी। तो कुछ यही अपडेट्स आ रहे हैं आजकल लगातार है जो मैं आपको दे पा रहा हूँ। और अब आने वाला है अपना SPM मेट्रो। अच्छा SPM का ये जो मेट्रो स्टेशन जो नाम है ये हॉस्पिटल के ऊपर रखा गया है, जैसे कि SPM अपना हॉस्पिटल है वही नाम उठा के SPM मेट्रो स्टेशन डाल दिया गया है। तो मुझे भी नाम जब मैंने मेट्रो का ऐप देखा उस पर भी देखा तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ यार इसका यही नाम रखा गया है। उन्हें मैंने काफ़ी वीडियोस पर देखा है, लोग कहते हैं SPM, मुझे लग रहा था कि SPM नहीं होगा। कोई क्रॉसिंग से जैसे कि अपने क्रॉसिंग का नाम है बगिया क्रॉसिंग, इसी टाइप का बगिया मेट्रो स्टेशन होगा, लेकिन नहीं उसका SPM नाम रख दिया गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ नया मेट्रो की देखिए जितने ही खड़े हैं सब रोड बनाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि मेट्रो ने ठान लिया है कि अब रोड बनेगी तभी आगे काम होगा। तो इधर की इधर से जीना है, पूरा रोड तैयार करानी है जल्द से जल्द मेट्रो की, जब रोड तैयार होगी तभी आगे काम होगा। कोई यहाँ पर लिफ्ट आ चुकी हैं SPM की, मैं आपको फिर से दोनों लिफ्ट रखी हुई हैं, इधर से बड़े डब्बे वाली लिफ्ट रखी हुई हैं। यहाँ पर चार लिफ्ट लगनी है, दो पैर वाली और दो डब्बे वाली। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, कैसी लगी कमेंट करके मत बताइएगा क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं कर पाते। अब कुछ नहीं कहेंगे आपसे हम, आप कुछ भी कीजिए, आपका चैनल है आप सपोर्ट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, लेकिन हाँ जो आपको माफ़ कीजिए क्योंकि आप लोग कमेंट इतनी गंदी गंदी करते हैं, कुछ कहने को नहीं है, सब्सक्राइब करना ही नहीं है, लाइक करना ही नहीं है, डिसलाइक भी नहीं करना है, कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो वीडियो को। चलिए ठीक, बाय बाय।